हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 6 चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, चेंज करना है इम्प्रॉपर को किस में, मिक्स्ड में। मिक्स्ड क्या होते हैं, टू पार्ट से बनते हैं, एक तो होता है इंटीग्रल एंड एक होता है फ्रैक्शनल। ठीक है, जैसे ये गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इस पार्ट में, तो हम 9/4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9/4 को। ठीक है, 9 को डिवाइड करते हैं किस से, 4 से। तो 4 टू द 8 माइनस 1 माइनस 8 तो क्या आया 1। ठीक है, तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यों जी हमने बताया था लास्ट टाइम भी आपको, डिवाइजर इधर क्वोशेंट एंड इधर रिमाइंडर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 2 1। ठीक है, आप देख भी सकते हो 4 टू द 8 8 प्लस 1 9, तो हमारे पास क्या आया 4 2 एंड 1। ठीक है, नाउ बी पार्ट में, बी पार्ट पे भी सेम ऐसे करोगे, 7/5 है तो 7 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। 5 बनता 5 माइनस किया 7 5 को, तो क्या आया 7 माइनस 5 डैट इज 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इधर, क्यू डी एंड आर, तो डी की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 1 एंड 2 रिमाइंडर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ओके, सी पार्ट 12/7। सी पार्ट इज 12/7, तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। ठीक है, तो 7 बन द 7 माइनस किया दैट इज 5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, इधर डिवाइजर 7, नाउ 1 क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, तो हमारे पास यह आ गया आंसर। डी पार्ट 35/8, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 35 को किससे, 8 से। ठीक है, ये तो 8 फोर द 32, देखो इधर। ठीक है, 35 को डिवाइड करना 8 से, तो 8 से डिवाइड किया, 8 फोर द 32 माइनस किया इसमें, तो हमारे पास क्या आया इसमें, 32 में से 33 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 डिवाइजर इधर, 4 के ऑप्शन की वैल्यू इधर, रिमाइंडर इधर, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, नाउ ये पार्ट 42/15, तो हम क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करते हैं किससे, 15 से। तो 15 टू द 30 माइनस किया 2 एंड देन 12, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है इसकी, 15 नीचे इधर 2 एंड 12, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नाउ एफ पार्ट 56/12, अब हम क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करते हैं किससे, 12 से। तो हमारे पास देखो 12 की टेबल में कब आता है, 56 नहीं आता, तो 12 से क्या आएगा, 12 फोर द 48 माइनस किया, तो हमारे पास आएगा इधर 8, तो इट मींस आंसर क्या है हमारे पास, जहाँ पे लिखोगे 12 देन 4 एंड 8, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है किस में, इम्प्रॉपर में। तो हमें पता है ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो हमने क्या करना है इसमें, जब भी आप करोगे तो इस वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई फिर देन ऐड। ठीक है, तो मतलब डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस 2, तो हमने वही करना है, जब वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 एंड नीचे 3, तो देखो क्या आएगा, 3 3 9 9 प्लस 2 11/3, ये आपका आ गया आंसर। नाउ बी पार्ट भी सेम ऐसी है, 4 8/9, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले पुट करेंगे 9 की 9 मल्टीप्लाई, ये होता है क्यू की वैल्यू, ये होती है ये प्लस 8 रिमाइंडर 8, तो 9 डिवाइजर क्या है हमारे पास 9, तो क्या आया 9 फोर द 36, 36 प्लस 8 44 डिवाइड बाई 9, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, सी पार्ट 7/5/11। सी पार्ट 7/5/11, तो डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर एंड डी, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डिवाइजर मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अंजा उसके बाद क्या आएगा, 11/7 77 77 प्लस 5 डैट इज 82, तो 82 डिवाइड बाई 11 आपका क्या आ गया आंसर। ओके, नाउ डी पार्ट 9/1/4, सेम अपने पहले लिखा फॉर्मूला, डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर डिवाइड बाई डी, तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास
फोर मल्टीप्लाई नाइन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, तो क्या आया हमारे पास, नाइन को उधर 36 प्लस वन डिवाइड बाई फोर, तो 37 डिवाइड बाई फोर, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके।